तो भाई लोगों, हम पहुंचने वाले हैं चोपता। यहाँ से थोड़ी दूर है, तो भाई कह रहा है कि इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, तो हम पहुंचने वाले हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। चलो देखते हैं फिर मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो हम चोपता पहुंच चुके हैं, और यार वीकेंड होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, ऑलमोस्ट सारा फुल है। पर हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एक कमरा मिल चुका है, और यहाँ बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग आए हुए हैं, तो हम उन्हीं के साथ एंजॉय करने वाले हैं। सभी काफ़ी फ्रेंक लोग हैं, और बस अभी हम बस डिनर करने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर एंजॉय करेंगे सभी के साथ। और ये है चोपता का रात का नज़ारा, ये देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा है चोपता, लेकिन है बड़ी अच्छी जगह। ये देखिए लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं बाहर बैठ के। और भाई लोगों, ये है अपना रूम। और सही में यार आज काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी हमने ट्रैवलिंग भी किया और अच्छे से मज़े भी किए। अभी डिनर करने के बाद हमने अभी हमें एक ग्रुप मिल गया था, उनमें एक भैया थे काफ़ी अच्छी सिंगिंग कर रहे थे, तो वो भी हमने अभी इन्जॉय किया उनके साथ। और अब थकान लग चुकी है, तो अब हम अच्छे से सोएंगे, और फिर कल देखते हैं कि चोपता में क्या अच्छी चीज़ें हैं वो देखेंगे, और साथ में आपको भी दिखाएंगे जो भी बेस्ट होगा, वो लोकेशन क्या है, कैसी है, हर चीज़ फिर कल बताएंगे यार। तो तब के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, चोपता की मॉर्निंग हो चुकी है, और यार रात से बहुत तेज़ बारिश थी, जिसकी वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी है यहाँ पे। ये देखिए टी शर्ट के ऊपर मैंने शर्ट का यूज़ किया हुआ है, और अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की, जैसे ही बारिश कम होती है तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे घूमने के लिए। होम स्टे लगा लो इसको आप, क्योंकि यहाँ पे घर है और उसी को उन्होंने होटल में कन्वर्ट कर रखा है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत, ये है हमारा होटल का रूम। लाइट जा चुकी है यहाँ पे, ये रहा होटल का रूम। तो भाई साहब, यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ये देखिए, ये मैंने क्या कर रखा था, ये एक रजाई, फिर उसके बाद एक मोटा सा कंबल, और फिर सोने के लिए एक और नीचे गर्म कंबल। उसके बाद भी ठंड लग रही थी रात को, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था। तो भाई लोगों, बारिश हो रही लगातार, और ये देखिए इन भाई साहब को बारिश से बचने के लिए चेयर सर पे रख के घूम रहे हैं, तो ऐसी हालत है यहाँ पे इस टाइम। बारिश से बचने के लिए बहुत ही सही काम। तो फ्रेंड्स, बारिश बिल्कुल बंद नहीं हो रही, ये पंकज भाई आए हैं, क्या कुछ क्या पता करके आए हो, नीचे मिल रहे हैं। तो भाई लोगों, हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और हम लोग तैयार हो चुके हैं, हमने यहाँ से रेनकोट ले लिए हैं, ताकि यार बारिश से बचा जाए, और ठंड भी अब बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और बस रेनकोट में हमारा आगे का ट्रैवल होने वाला है। ये देखिए पीछे पंकज भाई एलियंस की तरह खड़े हैं। तो भाई लोगों, अब हम करने वाले हैं अपना यहाँ से ट्रैवल स्टार्ट आगे का, तुंगनाथ मंदिर का। कुछ लोग वापस जा रहे हैं, और हमारे जैसे कुछ लोग ऊपर तुंगनाथ की ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। अगर किसी को पैदल नहीं जाना, तो यहाँ से आपको घोड़े वगैरह भी मिल जाएंगे।
तो भाई ट्रैकिंग करते हुए मज़ा आ रहा है बहुत। बारिश ज़रूर है लेकिन नज़ारे देख लो, है ना, बड़े मस्त। ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ है भाई। सभी लड़के पूरा एंजॉय कर रहे हैं, ब्लूटूथ पे के गाने चला रखे हैं, अच्छा खासा टाइम पास हो रहा है उससे हमारा। और जूते जूते पूरी तरह से भीग चुके हैं हमारे और सांसें भी फूलने लग गई हैं, क्योंकि कम से कम हमने नॉन स्टॉप 4 किलोमीटर से ज़्यादा की चढ़ाई चढ़ चुके हैं और 1.5 किलोमीटर के बाद हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और मौसम यार इतना फर्स्ट क्लास हो रहा ना, मज़ा आ रहा एकदम मज़ा। ये देखिए हम काफ़ी नीचे से ऊपर आ चुके हैं। तो भाई लोगों अभी हमें जो बिल्कुल टॉप दिख रहा है उसे अभी और क्रॉस करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, पानी आपको जगह जगह मिल जाएगा। अगर आप बाई चांस कैरी भी नहीं कर पाते, जैसे कि हम भूल गए पानी कैरी करना, तो यहाँ नेचुरल पानी, वैसे भी बोतल वाला पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बिल्कुल नेचुरल पानी है, काफ़ी मीठा पानी है। तो पानी अगर आप इस तरह की ट्रैकिंग करते हैं तो बीच बीच में आपको लिक्विड या पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में। तो हम भी यही कर रहे हैं, जहाँ हमें पानी मिल रहा है हम थोड़ा बहुत पानी पी के फिर अपना जो आगे की यात्रा स्टार्ट कर दे रहे हैं। दूर कुछ पहाड़ों में बर्फ़ गिरी हुई नज़र आ रही है। मेरे जो कैमरा है इसका, एक्चुअली मैं इस टाइम मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, इसमें एकदम क्लियर नहीं आ रहा, पर मुझे क्लियर दिखाई दे रहा बर्फ़ गिरी हुई। और मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा धुंध लगी हुई है जिसकी वजह से क्लियर पिक्चर्स नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको रास्ते में नज़ारे मिलते रहेंगे नेचर के, काफ़ी खूबसूरत है। तो भाई यहाँ पे है ठंड बहुत ज़्यादा और हम रुके हैं टी ब्रेक के लिए। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ लेकिन यहाँ भाई चाय का ना बहुत बड़ा रोल है, यहाँ ठंडी इतनी है कि चाय के बिना काम नहीं चल रहा। कम हुआ होगा रस वगैरह? हाँ बहुत कम जी। कम है ना? बहुत कम। ज़्यादा भीड़ रस कब रहता है यहाँ पे? रस ये तो फर्स्ट में रहता है। फर्स्ट? हाँ, फर्स्ट मतलब कपार खुलते हैं। अच्छा अच्छा, कब खुल दी? मई। तो यार ठंड का ना एहसास आप इसी से लगा सकते हो, यहाँ चूल्हा चल रहा है और मैं अपने हाथों को सेक रहा हूँ गर्मी के मौसम में, तो यहाँ है ठंड काफी। हम पहुंच चुके हैं जय बाबा तुंगनाथ, तुंगनाथ मंदिर में, काफ़ी लंबी ट्रैकिंग करने के बाद। और ये है प्रवेश द्वार तुंगनाथ मंदिर का।
तुंगनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला। चंद्रशिला यहाँ से एक से डेढ़ किलोमीटर ऊपर है और मेरे हिसाब से उसमें भी 30 से 40 मिनट तो हमें कम से कम लग जाएंगे। और कहते हैं कि तुंगनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद चंद्रशिला जाना चाहिए, तो बस हम अब वहीं जा रहे हैं। और कहते हैं कि वहाँ चांद का टुकड़ा, तो जैसे जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे पता चला कि वहाँ चांद का टुकड़ा गिरा था, तो इसलिए वहाँ का नाम चंद्रशिला पड़ा है। तो वहाँ चल के और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ है। और पीछे यार चारों तरफ ना फॉग लगी हुई है और जगह जगह पानी है रास्ते में। थोड़ा जो रास्ता है वो बिल्कुल वैसा है, पथरीला रास्ता है, मतलब जिसको कहते हैं नॉर्मल, एकदम कोई बना हुआ नहीं है। बारिश हो चुकी है बंद, लेकिन अब चारों तरफ धुंध लग चुकी है। ये देखिए मेरे पीछे कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, और आमने सामने जो लोग हैं सिर्फ मुझे वही दिखाई दे रहे हैं जो थोड़े से डिस्टेंस पे हैं, 100 मीटर की डिस्टेंस पे या 50 मीटर की, वो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। और मौसम बस सुबह से ऐसे ही है बारिश वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ से रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब और पथरीला हो गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, पर यार ट्रैकिंग तो यही होती है। बिल्कुल ये देखिए पत्थर वाला रास्ता है और ये साथ में नज़ारे खूबसूरत। पहले हम बादल हमारे ऊपर थे और अब हम बादलों से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। और अभी हमें जाना है बिल्कुल टॉप पे, जो बिल्कुल टॉप पे गुंबद सी दिखाई दे रही है चोटी पहाड़ की, वहाँ तक जाना अभी हमें। थकान लग चुकी है और मैं और पंकज भाई अब पत्थर पे लेट के अपना रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई होटल नहीं है। और हमने ये जो पत्थर है बड़ा सा, इसी को अपना बेड बना रखा है। और जस्ट हमारे पीछे देखिए बिल्कुल ये जो पहाड़ है ना, एकदम खड़ा पहाड़ है बिल्कुल, ये देखिए मेरी फिंगर दिख रही है, ये बिल्कुल खड़ा पहाड़ है और नीचे बिल्कुल गहरी खाइयाँ हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे जो यहाँ पे फॉग है ना, ये बढ़ती जा रही है। हम जितना ऊपर जा रहे हैं ना, फॉग उतनी बढ़ती जा रही है। हम सोच रहे हैं ऊपर जाएंगे तो और अच्छे व्यू मिलेंगे, देखते हैं। अभी काफ़ी लंबा ट्रैक करना है हमें। वापस भी आ चुके हैं, लोकल है ना वो, लोकल लोकल होंगे, आदत होगी कभी। हमारी जैसे तालू है, मैं बात खड़ा था ना तभी बहुत गिरे। देखना देखना गिरेंगे नहीं वो भाई, नना गिरेगा तो सीधा चुपता ही मिलेगा। सही बात है, बीच में फिर कोई स्टॉप भी नहीं है। मौसम फिर ख़राब होते हुए, बारिश का मौसम होते हुए, और यार व्यू लेने तो बड़े मुश्किल हो रहे हैं। ये जो फॉग है ना धीरे धीरे ऊपर आ गई। अब तो हम पहुंच चुके हैं अब चंद्रशिला, और ये जो ट्रैक था ये काफ़ी टफ था, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में हम चंद्रशिला पहुंच चुके हैं। और यार यहाँ का जो व्यू है ना, चारों तरफ फॉग की वजह से क्लियर नहीं आ रहा। तो हमारे जो भैया हैं हमारे साथ जो आ रहे हैं ट्रैक पर, वो कह रहे हैं थोड़ी देर में धीरे धीरे ये जो फॉग है हट जाएगा तो थोड़ा व्यू क्लियर हो जाएगा। तो अब थोड़ी देर में हम यहाँ रुकेंगे और फिर देखते हैं, अगर कुछ क्लियर हुआ तो काफ़ी अच्छे व्यू हैं तो वो कैप्चर करेंगे यहाँ से आप लोगों के लिए स्पेशल। हो गए दर्शन, थोड़ी बढ़िया है कर लिए अच्छा। धुंध कंप्लीट हट चुकी है, थोड़े बहुत व्यू आ रहे हैं और मैं हूँ बिल्कुल टॉप पे, ये देखिए। यहाँ पे सभी भाई लोग अपनी सेल्फी और फोटो खिंचवाते हुए, ये
ये देखिए और तेज बात कर रहा है कि कैसे हम घर में ही मतलब हो बनाए हमारा देश ये टिका रहेगा तो मैं चिंता रहूंगा। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर लाइफ में आपको मौका मिले तो एक बार चोपता ज़रूर जाइए और वहाँ तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक को ज़रूर कीजिएगा। सच कहूँ तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है।